गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग जल्दी से सभी आ जाएंगे क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर ग्यारह मिनट लेट हो चुकी है क्लास तो फ्रेंड्स उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा दो दिन से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी टाइम से तो कल से आपकी क्लास जो वो डेली टाइम से होगी तो सभी यहां पर कमेंट करके बताएंगे क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं गुड मॉर्निंग सभी को सचिन रोहित तो सभी उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही होगी सभी कमेंट करके बताएंगे जल्दी से सभी बताएंगे क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं सभी क्या सभी मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं रोहित सचिन यहां पर देख पा रहा हूं बिल्कुल यहां पर बोल रहे हैं बिल्कुल तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जैसा कि आपका नेक्स्ट यहां पर फोर्थ पार्ट है ये आपका करंट अफेयर का और 95 तक हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और ये 96 से आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं तो सभी यहाँ पर बताएंगे हाल ही में किसे डब्लू डब्ल्यू एफ इंडिया का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है बहुत अच्छा प्रश्न है जल्दी से सभी बताएंगे क्या हो जाएगा आप सभी का हाल ही में किसे डब्लू एफ इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है गोलू कुमार जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सभी स्टूडेंट्स आ जाएं आज का जो आपका क्लास का जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है फ्रेंड्स सात बजे से आपकी क्लास होया करेगी आप सभी बताएंगे सात का जो टाइम है क्या वो उचित है सुबह मॉर्निंग में सात बजे का करंट अफेयर क्या टाइमिंग सही है आप सभी के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर गुड मॉर्निंग प्रशांत जी गुड मॉर्निंग तो जल्दी से यहाँ पर कमेंट करेंगे क्या क्या हो जाएगा आप सभी का आंसर यहाँ पर हाल ही में किसे डब्लू डब्ल्यू इंडिया का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स का देख पा रहा हूँ मैं बी ऑप्शन बता रहे हैं कुछ दिलीप गुड मॉर्निंग रोहित गुड मॉर्निंग यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ आनंद हाल ही में डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया का अम्बेसडर विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किसे बनाया गया है विश्वनाथ आनंद जी को बिल्कुल सौरभ गुड मॉर्निंग सर आठ एम बोल रहे हैं सौरभ जी आठ एम तो नहीं होगा ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स प्रजांत जी कह रहे हैं हम ठीक हैं सर स्टार्ट कीजिए बिल्कुल जी यहाँ पर तो फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे यहाँ पर आपके अम्बेजर डब्लू डब्ल्यू एफ इंडिया के तो फ्रेंड्स आपको पता है विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भारतीय शतरंज के खिलाड़ी हैं तो ये इन्हें अभी डब्ल्यू डब्लू एफ इंडिया का अंबेसिडर नियुक्त किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेवन वेरी गुड यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का नेक्स्ट आपके सामने हाल ही में में किस देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की चौवालिसवा सत्र कहा किया जाएगा हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का चौवालिसवा सत्र आयोजित किया जाएगा बहुत अच्छा प्रश्न है चार ऑप्शन दिए गए आप सभी को तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ तैनी बिल्कुल सही है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आप सभी का देख पा रहा हूँ मैं बिल्कुल सही जवाब है ज्यादातर स्टूडेंट्स का हरेंद्र जी गुड मॉर्निंग तो जल्दी यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा आप सभी का नाइन्टी सेवन हाल ही में किस किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति को चौवालिसवा सत्र आयोजित किया जाएगा जी तैनी जी सिक्स मंथ का पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा ये पूरा अप्रैल का जो मंथ है वो आज लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा इससे पहले तीन वीडियो और डाल चुका हूँ तो मैं आप सभी कर लें एग्जाम में इन्हीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल यहाँ पर फास्ट बिल्कुल यहाँ पर कीजिए तो यहाँ पर गोलू ए ऑप्शन आ रहा है अमरीका बता रहे हैं तो फ्रेंड्स अमरीका नहीं होगा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा किस देश को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की चौवालिसवें सत्र आयोजित की जाएगी तो वो चीन में आयोजित की जाएगी और फ्रेंड्स ये कब से कब तक की जाएगी नौ जुलाई दो हजार बीस तक ये चीन के फुजियान प्रांत में आयोजित की जाएगी तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स नाइन्टी एट आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है हाल ही में बीसीसीआई ने कोविड नाइनटीन के चलते आईपीएल पी दो हजार बीस कब तक के लिए स्थगित कर दिए हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है तो यहाँ पर देख पा रहा हूं बिल्कुल सही तो फ्रेंड्स यहां पर देख पा रहा हूँ प्लस सिक्स मंथ का करंट अफेयर आता है बिल्कुल यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं मैं तो फ्रेंड्स यहां पर बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं आपका जो ऑप्शन है चीन हो जाएगा बिल्कुल सही नेक्स्ट हाल ही में बी ने कोविड नाइनटीन का डी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर रोहित कुमार जी कह रहे हैं डी हो जाएगा तेनी भी डी ऑडियो पेपर में धरेंद्र जी डी ऑप्शन आ रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बिल्कुल ऑप्शन न हो जाएगा काल के लिए बीसीसीआई ने कोविड नाइन्टीन के चलते आईपीएल 2020 को स्थगित कर दिया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये होने थे आपके उन्तीस मार्च से चौबीस मार्च तक चलने थे लेकिन इन्हें जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गुड मॉर्निंग प्रवीण जी मोहन जी गुड मॉर्निंग यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है इनका तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटी नाइन निम्न में से किस देश में हांग झा जा। झाऊ हांग झाऊ दो हजार बीस सॉरी दो हजार बाईस एशिया पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा कौन सा देश है जिसमें हांग झाऊ दो एशिया पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा देख पा रहा हूं मैं गोलू जी कह रहे हैं सर अपना टाइम क्लास का नेक्स्ट टाइम बता दीजिए तो गोलू जी टाइम टेबल बना हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं आपका जो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन आ रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का चीन ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पर सत्यम चौरसिया रोहित बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर तो फ्रेंड्स पर पर जो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा जाएगा चीन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। निम्न में से किस हॉन्ग झाऊ दो हजार बाईस एशिया पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा तो ये चीन में आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स आपके बिल्कुल उज्जवल सत्यम चौरसिया हरिंदर मोहन रोहित बिल्कुल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बी ऑप्शन दे रहे हैं शिवम गुड मॉर्निंग सत्यम चौरी से चीन बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा और फ्रेंड्स इसका जो एशिया पैरा खेलों का जो शुभंकर है वो क्या रहने वाला है फी फी होने वाला है फी 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 इसका शुभंकर है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और ये नौ से पंद्रह अक्टूबर अक्टूबर के बीच आयोजित किए जाएंगे नौ से पंद्रह अक्टूबर तक ये आयोजित किए जाएंगे दो में तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपका हंड्रेड क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों आरवी भूस्कुटे का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी आरवी भूस्केटे का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है भूस्कुटे का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया ये आपको यहाँ पर बताना है शिवम गुड मॉर्निंग सप्तम चौरसा बिल्कुल यहाँ पर सभी का ज्यादातर स्टूडेंट्स का बहुत सही आंसर आया वेरी गुड क्या हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर देख पा रहा हूं मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे धीमे तो साथ। साथ आ रहे हैं आज तो यहाँ पर जो राइट right आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का सभी बताएंगे रोहित कुमार जी कह रहे हैं एट्टी फोर चौरासी वर्ष बता रहे हैं सत्यम चौरासी अभी चौरासी बता रहे हैं यहाँ पर रोहित कुमार और यहाँ पर एट्टी फोर आ रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स देख पा रहा हूँ मैं एट्टी फोर आया है तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर नाइन्टी फोर हो जाएगा राइट आंसर एट्टी फोर नहीं होगा डी ऑप्शन होगा यहाँ पर हाल ही में स्वतंत्र सेनानी आर वी बुस्केट का जो निधन है वो चौरानवे वर्ष की उम्र में हो गया है नाइन कि एट्टी फोर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बी ऑप्शन कर रहे हैं बी नहीं होगा आपका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है ये एक लेखक थे ये आपको हैं पता होना चाहिए कि ये एक लेखक थे और बंधुओं मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे इसलिए इनका जो निधन है वो चौरानवे वर्ष की आयु में हो चुका है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक सौ एक प्रश्न आपके सामने है निम्न में से सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है शिवम बिल्कुल यहाँ पर एटी फोर नहीं होगा नाइनटी फोर हो जाएगा गुड मॉर्निंग मोहम्मद गुड मॉर्निंग सभी को यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वो डेली होती हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो सभी यहाँ पर एक बार देखता हूँ मैं आप सभी का क्या आंसर आता है सिविल सेवा दिवस क्या कब मनाया जाता है तेजी के साथ आंसर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा तेईस आ रहा है तेईस अप्रैल को बता रहे हैं स्टूडेंट्स निम्न में सेवा सिविल सेवा दिवस जो बनाया जाता है वो आपका यहाँ पर जो बता रहे हैं तेईस अप्रैल नहीं होगा फ्रेंड्स पर सत्यम चौरसिया जी मोहन सी हो जाएगा मोहन जी कह रहे हैं सी हो जाएगा यहाँ पर और एक सौ एक का डी बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा सिविल सेवा जो दिवस है वो आपका इक्कीस अप्रैल को मनाया जाता है तो इस दिन 1947 में ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल के पहले बेंच के प्रोवेशनल को भाई पटेल ने संबोधित किया था तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कब से बनाया जाता है फ्रेंड्स आपका 1947 से बनाया जाता है हर वर्ष इक्कीस अप्रैल को हम सिविल सेवा दिवस बनाते हैं तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट देखेंगे एक सौ दो क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों में लॉकडाउन के उल्लंघन के कित बाद मंत्रालय टीमों का गठन किया है बहुत अच्छा प्रश्न है तो फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल यहां पर इक्कीस हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल सही इक्कीस अप्रैल हरिंदर रोहित बिल्कुल सही जवाब है ज्यादातर स्टूडेंट्स का हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों में लॉकडाउन के उल्लंघन के बाद कितनी अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है डी ऑप्शन हरेंद्र सत्यम चौरसिया छह टीमें बता रहे हैं रोहित कुमार जी भी सिक्स बत सेवन बता रहे हैं रोहित कुमार जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा छह टीमों का गठन किया है हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों में लॉकडाउन के उल्लंघन के बाद कितनी अंतरम अंतर, मंत्र, अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है तो ये छह टीमों का गठन किया गया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सी ऑप्शन हो जाएगा राइट जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सिक्स टीम बता रहे हैं बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपका एक सौ तीनवा क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है बहुत अच्छा प्रश्न है शिवम बिल्कुल यहाँ पर जितने भी चार नहीं होगा यहाँ पर जो छह टीमें हैं बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का राइट तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल हाल ही में भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर जल्दी से बताएंगे सभी कमेंट करके तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा एक सौ तीन का ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कपिल देव त्रिपाठी बता रहे हैं स्टूडेंट्स तो फ्रेंड्स पर जो राइट आंसर हो हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या आप सभी का बता रहे हैं कपिल देव त्रिपाठी लेकिन यहाँ पर जो राइट right आंसर है आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन आ रहा है कपिल देव त्रिपाठी तो बिल्कुल सही है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कपिल देव त्रिपाठी बता रहे हैं बिल्कुल सही है हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर राइट आंसर सी ए हो जाएगा बिल्कुल सही कपिल देव त्रिपाठी को और फ्रेंड्स ये पूर्व आई अधिकारी हैं आई अधिकारी हैं और उन्नीस बैच के हैं तो इतना भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बिल्कुल सही जवाब है कपिल देव त्रिपाठी हो जाएगा नेक्स्ट चारवा क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस राज्य में कोविड नाइन्टीन योद्धा कल्याण योजना के तहत एक लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे होंगी ये आपको यहाँ बता बताना है हाल ही में किस राज्य में कोविड नाइन्टीन योद्धा कल्याण योजना के तहत एक लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित किए जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर बताना है एक सौ चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सभी के में और फ्रेंड्स आज कुछ नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है आपकी जो कमेंट है वो बहुत धीमी आ रही है बिल्कुल एक सौ चार का बी ऑप्शन आ रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का देख पा रहा हूँ मैं बी ऑप्शन बता रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का देख पा रहा ऑप्शन है स्टूडेंट्स हैं, तो है, हैं। मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड नाइनटीन योद्धा कल्याण योजना के तहत एक लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने की घोषणा की है और फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए प्रिजेंट टाइपर मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर की बात करें लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक सौ क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में किस आई ने कोविड नाइन्टीन के लिए विकसित किया वर्ल्ड वॉड को विकसित किया है ये आपको बताना है कौन सी आईआईटी है जिसने कोविड नाइन्टीन के लिए वर्ल्ड वॉड को विकसित किया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं बिल्कुल और फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक जबरदस्त वीडियो आने वाली है आप सभी उस वीडियो का इंतजार करें एक मोटिवेशन वीडियो भी लेकर के आऊँगा मैं आज आपके लिए ऑफलाइन तो उसे सभी देखें क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लेकर के तो यहाँ पर अक्षय कुमार जी आ गए हैं साढ़े सात का टाइम पीरियड था क्लास का तो अक्षय जी टाइम पीरियड जो है वो आपका आज सात बजे का कर दिया है कुछ कारण की वजह से तो डेली जो होंगे वो साढ़े सात बजे ही हुआ करेंगे आपकी क्लास लेकिन आज का जो टाइम है वो चेंज हो चुका है हाल ही में किस आई ने कोविड नाइन्टीन के लिए विकसित किया वर्ल्ड वॉड तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक का बी ऑप्शन यहाँ पिंकू मोहन सत्यम चौरसिया हरिंदर गोलू ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर बी कुछ स्टूडेंट्स डी भी दे रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जितना भी कह रहे हैं यहाँ पर आईआईटी आई रॉपर बिल्कुल सही हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आई आई टी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा और ये पंजाब सरकार ने किया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आई ने कोविड नाइनटीन के लिए विकसित किया है तो आई आई जो कि पंजाब ने एक प्रकार का रोबोट है ये क्या है वर्ल्ड बोट क्या है एक प्रकार का रोबोट है जो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को दबा मुहैया कराएगा दबा और भोजन मुहैया कराएगा तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया है बहुत अच्छा प्रश्न है वेरी गुड जवाब यहाँ पर निक्की कुमारी जी भी ए एम श्रीवास्तव सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पिछले जितने भी स्टूडेंट्स साढ़े सात बजे का इंतजार कर रहे थे वो आ चुके हैं क्योंकि साढ़े सात भी आपका टाइम हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम टेबल नहीं पता था तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का गुड मॉर्निंग निक्की जी तो फ्रेंड्स हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया है तो क्या हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर बांग्लादेश बता रहे हैं स्टूडेंट्स क्या करें बांग्लादेश तो बिल्कुल सही है अभिमन्यू जी का यहाँ पर राइट आंसर आया है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर सचिन कुमार जी का भी यहाँ पर आया है और यहाँ पर सत्यम चौरिस भारत बता रहे हैं लेकिन ये मोहन राज्य भी बी बिल्कुल बढ़िया बता रहे हैं तो ज्यादातर पिंकू एम श्रीवास्तव हरेंद्र सभी का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है बांग्लादेश बिल्कुल सही हो जाएगा ये फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी इफेक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया है तो बांग्लादेश में क्या है फ्रेंड्स तो ये है ये जो है आपका पोस्ट होने वाले डाटा को फिल्टर करने के लिए किया गया है बूम नामक वेबसाइट के साथ फेसबुक ने ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया है तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा नेक्स्ट सातवा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए निम्न में से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सॉरी यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हो गई है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले कवि मोहम्मद इकबाल का निधन कब हुआ ये यह आपको यहाँ पर बताना है ये क्वेश्चन भी यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए है बिल्कुल यहाँ पर बोला है सचिन कुमार जी बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोमेश्वर गुड मॉर्निंग आशीष कुमार जी गुड मॉर्निंग यहाँ पर सभी यहाँ पर स्टूडेंट्स देख पा रहा हूँ मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही जवाब आ ज़्यादातर स्टूडेंट्स का तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पाया हूँ मैं 107 का ए ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं 107 का ए ऑप्शन भी आ रहा है और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सी भी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स पर जो राइट आंसर हो हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका अप्रैल 1938 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल का जो निधन है वो इक्कीस अप्रैल उन्नीस को हुआ था ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है निम्न में से पी वी सिंधु पर लिखी गई पुस्तक सूटलिंग टॉप स्टोरी ऑफ़ पीवी सिंधु का विमोचन किसने किया बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि आपका पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने वाला है तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है सोच समझ कर आंसर करना है आप सभी को चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर इक्कीस अप्रैल बिल्कुल सही है सभी का सत्यम चौरसिया आशीष निक्की कुमारी रोहित और मोहन ए एम श्रीवास्तव बिल्कुल ज्यादातर स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आया जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो सभी यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर अभिमन्यु जी कह रहे हैं यहाँ पर वी कृष्ण स्वामी बता रहे हैं वी कृष्ण स्वामी जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा एक सौ आठ का डी ऑप्शन आ रहा था था है ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं डी ऑप्शन बता रहे हैं वी कृष्ण स्वामी बता रहे हैं वी कृष्ण स्वामी

सफल होने को बताया गया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सॉरी यहाँ पर एक बार आप एक सौ नौवा क्वेश्चन बताएंगे सभी यहाँ पर निम्न में से विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो ये बाईस अप्रैल को मनाया जाता है तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो बाईस अप्रैल को मनाया जाता है पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए ये बीस पृथ्वी दिवस बाईस अप्रैल को और आपका जो है जल दिवस जो मनाया जाता है वो बाईस मार्च को बनाया जाता है तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक सौ क्वेश्चन बताएंगे सभी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर एक सौ दस का क्या हो जाएगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जवाब दे रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा जवाब विश्व रचनात्मक नवाचार दिवस कब मनाया जाता है तो तो फ्रेंड्स ये आपका अप्रैल को मनाया जाता है तो बी ऑप्शन पर जितने भी स्टूडेंट्स की वोटिंग है बिल्कुल सही है इक्कीस अप्रैल को मनाया जाता है विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस तो ये यह आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका मुख्यतः जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया किए गए कार्य के महत्व को प्रति लोगों के लिए जागरूक फैलाने के लिए मनाया जाता है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर इक्कीस अप्रैल बिल्कुल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर एक सौ क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य हाल ही में किस राज्य सुवनश्री नदी पर दापोरीजो पुल का उद्घाटन किया गया बहुत अच्छा प्रश्न है क्या हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर हाल ही में किस राज्य बिल्कुल इक्कीस अप्रैल जितने भी ए एम प्रियंका ए एम श्रीवास्तव सोमेश्वर बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही जवाब है किस राज्य सुवन सीरी नदी पर दापो रिजो पुल का उद्घाटन किया गया किस राज्य में तो ये आपको यहाँ पर बताना है बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है वही प्रश्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं तो फ्रेंड्स अप्रैल और मार्च के जो मंथ्स हैं वो आपके करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर अप्रैल मंथ कराया तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं बी ऑप्शन आ रहा है एक सौ एक का बी गोलू एम श्रीवास्तव हरिंदर निक्की मिथुन जयप्रकाश आशीष ज्यादातर स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का वेरी गुड यहाँ पर सत्यम चौरसिया बिल्कुल सही जवाब गुड मॉर्निंग मिथिलेश जी हरिंदर जी सी नहीं होगा बिल्कुल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल सही है प्रेजेंट टाइम पर अरुणाचल प्रदेश के सी एम वी आर तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है क्या हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम क्या उनसे हो जाएंगे आप सभी को यहाँ पर बताना है क्योंकि कल मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया था प्रेजेंट टाइम पर अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है यहाँ पर सभी कमेंट करके बताएंगे देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स याद रख पाते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है तो सभी बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर भी आपको यहाँ पर बताना है अरुणाचल प्रदेश के सीएम बताने ए एम श्रीवास्तव हरिंदर लवकुश स्वाति रोहित तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही जवाब आया है तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ राधे राधे लवकुश जी कह रहे हैं

प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत कितने करोड़ किसानों को सत्रह हजार सात सौ तिरानवे करोड़ रुपए जारी किए गए बहुत अच्छे बिल्कुल यहाँ पर अभिमन्यु ए एम शिवम सत्यम चौरसिया राजकमले बिल्कुल यहाँ पर गणेश लाल नहीं है सत्यम चौरसिया देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ध्यान से नहीं पढ़ते नोट्स भी क्या करो आपसे भी क्योंकि आपको सीएम भी ध्यान रखने हैं तो एक यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पेमा खांडू बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सभी बताएंगे तेजी के साथ पीएम किसान योजना के तहत कितने करोड़ किसानों को सत्रह हजार सात सौ तिरानवा करोड़ रुपए जारी किए गए बहुत अच्छा प्रश्न है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का देख पा रहा हूं मैं बिल्कुल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स देख पाया हूँ मैं बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जयप्रकाश जी बी दे रहे हैं गोल कुमार जी सी दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है यहाँ पर आंसर देख पा रहा हूँ मैं तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको तो फ्रेंड्स यहाँ पर आठ पॉइंट आठ पॉइंट एट नाइन करोड़ यानी कि ए ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए एम श्रीवास्तव कह रहे हैं सर सबसे पहले मैंने आंसर किया था स्वाति जी सी ऑप्शन यहाँ पर सी नहीं होगा फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सी दे रहे हैं सी और बी नहीं होगा हरेंद्र स्वाति रोहित प्रियंका क्वेश्चन को पढ़ा करें और तभी आंसर किया करें शायद आप डेली अपडेट नहीं रहते हैं तो आप सभी को यहाँ पर अपडेट रहना है क्योंकि इसके अंदर आपको डेली वाइज भी करंट अफेयर जो होते हैं वो भी कलेक्ट किए गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत कितने करोड़ किसानों को सत्रह हजार सात सौ तिरानवे करोड़ रुपए देंगे आठ पॉइंट एट नाइन करोड़ किसानों को ये पीएम किसान योजना के तहत इन्हें प्रदान किए गए हैं तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताएंगे यहाँ पर वन थर्टी इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा निम्न में से कोविड नाइन्टीन मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है कोविड नाइन्टीन से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है बहुत अच्छा प्रश्न है वन थर्टीन का बताएंगे सभी यहाँ पर सोमेश्वर हरेंदर आशीष मोहनराज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सभी का यहाँ पर जितने भी ऑप्शन ए, ए दे रहे थे तो फ्रेंड्स पर देख पा रहा हूँ मैं अभी तक अभिमन अभी मनु अभी का गोवा हरिंदर जी का भी बी आया है गोलू पिंकू कुमार जी बी निक्की कुमारी जी बी आशीष बी बी मिथिलेश बी राजकमले बी रोहित गोवा मोहनराज सुनील राजकमले हरेंदर ज्यादातर आशीष कुमार बिल्कुल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया है बिल्कुल सही दिया है गोवा आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि कोविड नाइन्टीन से मुक्त होने वाला पहला राज्य है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बहुत अच्छा जवाब दिया है सभी ने ज्यादातर स्टूडेंट्स यानी देख पा रहा हूँ मैं अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है तो वेरी गुड वेरी नाइस जवाब आप सभी का यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट पेमेंट बैंक भारत को कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा बहुत अच्छा प्रश्न है वन फोर्टीन का बताएंगे यहाँ पर वन फोर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत अच्छा जवाब सभी का वेरी वेरी नाइस जवाब सभी का देख पा रहा हूँ मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको पर डे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने लाइक कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्हें वीडियो पसंद आ रहा तो वो लाइक जरूर किया करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का देख पा रहा हूँ कुछ तीन मिलियंस बता रहे हैं कुछ यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स सी दे रहे हैं कुछ अभी मन्यू एक मिलियन सप्तम चौरिस स्वाति भी यहाँ पर बी टू मिलियन बता रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वन मिलियन हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कितने बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है वन बिलियन की सहायता प्रदान कर रहा है और इसकी जो घोषणा है वो आपके वित्त मंत्री द्वारा की गई है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ए ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट टाइम पर वित्त मंत्री कौन है ये भी सभी कमेंट करके बताएंगे देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल सही आंसर कर पाते हैं तो ये आपको यहाँ पर आंसर भी करना है जल्दी से सभी करेंगे विनीत कुमार राज रंजन निक्की रोहित सत्यम चौरसिया हरेंद्र बिल्कुल यहाँ पर वन मिलियन हो जाएगा सभी का सुनील जी बिल्कुल वन मिलियन प्रियंका बिल्कुल वन मिलियंस हो जाएगा तो सोमेश्वर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी बताएंगे यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइम पर वित्त मंत्री कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है कमेंट करके देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट्स इतने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वन फिफ्टी का क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन सामने है और फ्रेंड्स पर देख पा रहा हूँ अभी मनु का यहाँ पर आया है निर्मलन सीतारमन बिल्कुल स्वाति सीता का भी बिल्कुल सही है लबकुश का भी बिल्कुल सही है का भी पर सुषमा नहीं है जी यहाँ पर निर्मलन सीतारमन है निर्मला सीतारमन बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सभी का ज्यादातर मिथुलेश हरिंदर सुनील बिल्कुल यहाँ पर जितने भी यहाँ पर निर्मला सीतारामन बता रहे हैं बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 115 का बताएंगे अब अभी आशीष मोहनराज सभी पर बिल्कुल सही जवाब दिया है वेरी गुड तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ अभिमन्यून परसेंट आया 115 का अभी का आया है हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की सॉरी यहाँ पर प्रतिशत है यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है कि हिस्सेदारी खरीदी खरी है तो ये यह आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़कर बोल रहा हूँ तो आप सभी लैंग्वेज को समझा करें हाल ही में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है तो यहाँ पर देख पा पाऊँ वन हंड्रेड फिफ्टीन का जो है सी ऑप्शन आ रहा है विनीत जी ए आ रहा है राज कमले का सी गोलू बी तो नौ पॉइंट नौ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सी और बी ऑप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा जितनी भी वोटिंग सी की तरफ जा रही है बिल्कुल सही है निक्की कुमारी जी हरेंद्र जी प्रियंका जी बिल्कुल है अमित यहाँ पर क्रेक यहाँ पर पर बिल्कुल हो जाएगा सही। यहाँ पर 9 .9 की, की है और इसको ने ने कितने इस ने में इतने नाइन परसेंट की हिस्सेदारी ली है और इसके लिए फेसबुक ने इसको कितने करोड़ रुपए दिए हैं तो तैतालीस पॉइंट सॉरी तैतालीस हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़ रुपए में इसे खरीदा है इतना नाइन पॉइंट नाइन जो परसेंट हिस्सेदारी जो खरीदी है वो आपकी तैतालीस हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़ रुपए में तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वन सिक्सटी निम्न में से विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे जो वो कब मनाया जाता है बहुत अच्छा प्रश्न है वन सिक्सटी बिल्कुल सभी के यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही जवाब आया है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है ज्यादातर स्टूडेंट्स का देख पाया हूं, मैं बिल्कुल सही है तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जयप्रकाश रंजन आशीष एम श्रीवास्तव तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आ रहा है मिथिलेश जी कह रहे हैं राजकमले सी अभिमन्यु तेईस अप्रैल सी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का

महान मानवता सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं तो तेईस अप्रैल को ये मनाया जाता है इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सामनेटीन बिल्कुल सही जवाब है ज्यादातर स्टूडेंट्स का विनित एम श्रीवास्तव प्रियंका जयप्रकाश बिल्कुल वेरी गुड जवाब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट वन सेवनटीन का राइट आंसर बताएंगे हाल ही में किस राज्य में आपदा मित्र आपदा मित्र ऐप को टोल फ्री हेल्पलाइन आपदा मित्र ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन हेल्पलाइन नंबर चौदह हजार चार सौ दस को लॉन्च किया गया है सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन को तो फिर से समझेंगे हाल ही में किस राज्य में आपदा मित्र ऐप को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हेल्पलाइन नंबर चौदह हजार चार सौ दस को लॉन्च किया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुड मॉर्निंग प्रियंका जी गुड मॉर्निंग यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा देख पा रहा हूँ मैं वन सेवनटीन का ए लबकुश मीना यहाँ पर ए कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं कुछ सॉरी आंध्र प्रदेश बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आंसफर आया है यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा वन सेवनटीन का ए नहीं होगा डी ऑप्शन जितने भी कर रहे हैं कर्नाटक हो जाएगा किस राज्य ने करा है कर्नाटक राज्य ने करा है ना कि आंध्र प्रदेश ने फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं ए ऑप्शन नहीं होगा आपदा मित्र ऐप को तो और टोल फ्री हेल्पलाइन जो नंबर है वो चौदह हजार चार सौ दस वो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के जो सी एम है वो वी एस येदुरप्पा और गवर्नर वाजू भाई बाला तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका वन एट्टीन का राइट आंसर करेंगे सभी उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा वेरी गुड यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया ज्यादातर स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही जवाब है वन एटीन का बताएंगे सभी यहाँ पर हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विधान विद्यादान होना चाहिए था टू पॉइंट जीरो को लॉन्च किया है तो ये आपको यहाँ पर बताना है तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन दिए कि पीयूष गोयल सीतारामन सीतारमन हर्षवर्धन रमेश पोखरियाल तो बता, बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वन एट्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा रमेश पोखरियाल बिल्कुल यहाँ पर जितने भी डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का एक अठारवी क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल एम श्रीवास्तव रंजन रोहित स्वाति जयप्रकाश बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा जवाब आया यहाँ पर और ये प्रेजेंट टाइम पर मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन रमेश पोखरियाल तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ये शुरू किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका यहाँ पर एक सौ उन्नीसवा यानी कि वन हंड्रेड नाइनटीन क्वेश्चन है हाल ही में किस इंडिया कंपनी द्वारा इसराइल का पहला डिजिटल बैंक का संचालन किया जाएगा तो कौन सी इंडिया कंपनी है जिसके द्वारा इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च का संचालन किया जाएगा तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब है ज्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पर देख पा रहा हूँ बिल्कुल एमएचआरडी मिनिस्टर्स मोहनराज जी रमेश पोखरियाल यहाँ पर बिल्कुल सही है जितने भी दे रहे हैं प्रियंका एम श्रीवास्तव सत्यम चौरसिया अभिमन्यु अभिमन्यु का यहाँ पर है टी नन नाइन्टी नाइन वन हंड्रेड नाइनटीन नाएं... का जो है बी ऑप्शन आ रहा है टी सी एस बता रहे हैं कुछ सी भी बता रहे हैं यहाँ पर तो स्वाति भी सी बता रही हैं प्रियंका जी भी निक्की कुमारी जी डी बता रही हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट टी सी एस बता रहे हैं टाटा कंसल्टेंसिंग सर्विस जो कि आईटी क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है तो फ्रेंड्स ये किस कंपनी द्वारा इसराइल का पहला डिजिटल बैंक का संचालन किया जाएगा तो, तो आपके टी द्वारा संचालन किया जाएगा तो इसका जो फुल फॉर्म है वो टाटा कंसल्टेंसिंग सर्विस हो जाएगा आपका और ये 2021 तक के लिए यहाँ पर जारी किया जाएगा तो ये यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है हाल ही में किसे बी डब्ल्यू एफ के आई एम बैडमिंटन अभियान का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है या बनाया गया है चार ऑप्शन दिए गए बहुत अच्छा प्रश्न है वेरी गुड निक्की कुमारी जी रंजन हरेंदर ए एम श्रीवास्तव बहुत अच्छा जवाब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ देख पा रहा हूँ मैं बहुत ही अच्छा जवाब आया आप सभी का यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हाल ही में किसे बी एफ के यानी कि बी डब्ल्यू एफ क्या है यहाँ पर आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान का अम्बेसडर बनाया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बी वी सिंधु बी ऑप्शन आ रहा है सभी का बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पी वी सिंधु को यहाँ पर इस अभियान का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो ये यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बी डब्ल्यू एफ की जो स्थापना हुई थी वो पांच जुलाई पांच जुलाई 1934 को हुई थी तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो बी डब्ल्यू एफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है तो यहाँ पर आरिफ आरिफ हुयर लांस तो यहाँ पर आपको रखना है अध्यक्ष जो, जो है सॉरी यहाँ पर जो अध्यक्ष है एरिक जो के अध्यक्ष हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा वन हंड्रेड ट्वेंटी वन का आंसर करेंगे हाल ही में किसे आई एम एम ए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बहुत अच्छा प्रश्न है बिल्कुल यहाँ पर फाइव जुलाई उन्नीस सौ चौतीस बिल्कुल सही जवाब दिया है ज्यादातर स्टूडेंट्स में और इसके जो हाँ है पोल एरिक पोल एरिक एरिक पोल एरिक पोल होयर लांस और एरिक होयर और एरिकांस जो है इसके यहाँ पर अध्यक्ष हैं तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना बिल्कुल यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही जवाब आया है नेक्स्ट हाल ही में किसे आईएमएम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आईएमएम एक यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखना है तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर तो फ्रेंड्स राकेश शर्मा ऑप्शन आ रहा है यहां पर बिल्कुल सही जवाब है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर राकेश शर्मा दे रहे हैं बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही ए एम श्रीवास्तव अभिमन्यु अक्षय कुमार और रोहित राजकमले रंजन यहाँ पर सभी का ए ऑप्शन आ रहा है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बी भी, भी दे रहे हैं तो राकेश जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर जयप्रकाश जी बी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं बिल्कुल सही सत्यम चौरसिया राकेश शर्मा हो जाएगा इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं किसे नियुक्त किया है राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है 2019 में ये उपाध्यक्ष थे इसी के तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और अब इन्हें अध्यक्ष का पद दिया गया है

का राइट आंसर क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर राजकमले नाइन सेवन बिल्कुल सही है राकेश शर्मा बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा बिल्कुल राजकमले जी नेक्स्ट है वन ट्वेंटी टू निम्न में से अंग्रेजी जो भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका ये आपको यहाँ पर बताना है अभिमन्यु ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देख पा रहा हूँ चौबीस अप्रैल बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स नीरज जी सी ऑप्शन आ रहा है तेईस अप्रैल भी आ रहा है, डिफ्रेंट, डिफ्रेंट डिफ्रेंट आ रही है आप सभी की। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसका जो आयोजन है वो किस लेखक के लिए मनाया कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी जो भाषा दिवस है वो एक मशहूर लेखक है जिनके जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है वो कौन से लेखक हैं सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो वो कौन से लेखक हैं जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जाता है मशहूर लेखक है वो बहुत ही मशहूर लेखक हैं यहाँ पर बताएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताएंगे सभी अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है तो तेईस अप्रैल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेकिन वो कौन से लेखक हैं जिनके दिवस के रूप में हम इसे बताने हैं। दिवस के रूप में मनाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूं मैं इसका जो आंसर आया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैकाले नहीं होगा यहाँ पर राजकमले जी कह रहे हैं मैकाले जी गुरु जी ऑप्शन अभिमन्यु जी बिल्कुल यहाँ पर विलियम शेक्सपियर नीरज कुमार जी ने यहाँ पर बिल्कुल सही बताया क्या हो जाएगा यहाँ पर किस लेखक के विलियम्स शेक्सपियर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वन ट्वेंटी थ्री निम्न में से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बहुत अच्छा प्रश्न है निम्न में से राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है बिल्कुल यहाँ पर तो अंग्रेजी बिल्कुल मनाया जाता है बिल्कुल सत्यम चौरसी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर सभी बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है वो आपका नीरज कुमार जी का यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है रोहित राज कमले अभिमन्यु बिल्कुल यहाँ पर चौबीस अप्रैल जितने भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है और फ्रेंड्स पूरे देश में मौजूदा केंद्रीय पंचायती राज मंत्री इस पंचायती राज को मनाते हैं तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन बता बनाता है इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को तो तो मौजूदा जो केंद्रीय मंत्री है वो कौन है यहाँ पर राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है केंद्रीय पंचायती राज जो मंत्री हैं वो आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं और ये चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है वन ट्वेंटी फोर आपके सामने है निम्न में से बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फ्रेंड जल्दी से सभी कमेंट करेंगे तेजी के साथ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए आंसर बहुत तेजी के साथ करें सभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ निम्न में से बैंकिंग मुद्दों को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया तो यहाँ पर ए एम श्रीवास्तव डी ऑप्शन आ रहा है रंजन नरेंद्र सिंह आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही है पंचायती राज पर चौबीस अप्रैल डी ऑप्शन आ रहा है ए एम श्रीवास्तव नीरज कुमार का बी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो फ्रेंड्स पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका छह महीने बिल्कुल पर जितने भी स्टूडेंट्स बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है छह महीने के लिए किया है और ये राज्य सरकार भारत राज्य सरकार ने फैसला लिया है औद्योगिक विवाद कानून के प्रति तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कोविड नाइन्टीन के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा प्रश्न है हाल ही में किस देश ने सैन्य उप नूर को लॉन्च किया है बहुत अच्छा प्रश्न है चार ऑप्शन दिए गए हैं वेरी गुड रंजन सत्यम चौरसिया ए एम श्रीवास्तव प्रियंका बिल्कुल यहाँ पर नीरज कुमार जी बिल्कुल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने सिक्स मंथ दिया वेरी गुड जवाब सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है फ्रेंड्स बहुत अच्छा है प्रश्न है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर राइट आंसर देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन आ रहा है अक्षय कुमार जी कह रहे हैं बी हो जाएगा ईरान बता रहे नीरज कुमार जी अभिमन्यु भी ईरान बता रहे हैं निक्की कुमारी जी बी ऑप्शन राजकमले ए ऑप्शन तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ईरान हो जाएगा बिल्कुल सही जितने भी भी कर रहे हैं, सही हो जाएगा आपका ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया और ये इसका पहला है। नूर ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और ये जो उपग्रह है चार किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही वन ट्वेंटी सिक्स का बताएंगे हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बहुत अच्छा प्रश्न है बिरान रंजन ए एम श्रीवास्तव बिल्कुल यहाँ पर सत्यम चौरसा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सभी का ईरान बिल्कुल सही है 126 का बताएंगे हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंड्स डे से संबंधित क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसीलिए मैंने सभी वो प्रश्न जो कि अप्रैल में पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं तो आप सभी इन्हें करंट अफेयर का इस जो वीडियो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे टेलीग्राम जो लिंक है वो एक्टिव नहीं है तो फ्रेंड्स वो एक्टिव है आप सभी एक से दो बार प्रयास करें तो आपका जो है टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा आप उसमें स्टडी विद मूलेंद्र भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में और उसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आसान है उसे ज्वाइन करना तो आप वहाँ से पी प्राप्त कर लें तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स का बौद्धिक संपदा जो दिवस है वो कौन सा आ रहा है ऑप्शन आ रहा है छब्बीस अप्रैल बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छब्बीस अप्रैल को मनाया जाता है वेरी गुड यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट छब्बीस अप्रैल बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का रंजन जी बिल्कुल सही यहाँ पर वेरी गुड जवाब सभी का यहाँ पर छब्बीस अप्रैल हो जाएगा इसकी शुरुआत की गई थी दो सन दो हजार में तो ये भी आपको यहाँ पर जानको है शुरुआत कब की गई थी बौद्धिक संपदा दिवस की सन दो में की गई थी और ये नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ट्वेंटी सेवन का बताएंगे सभी यहाँ पर हाल ही में प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनो रानी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई है तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वन ट्वेंटी सेवन बिल्कुल एम श्रीवास्तव रंजन राजकमले दो हजार बिल्कुल सही है सुधाकर यहाँ पर छब्बीस आ रहे हैं अप्रैल बिल्कुल सही है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर छब्बीस दिया था पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल सही है 127 का बताएंगे बी ऑप्शन आ रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सतहत्तर वर्ष बता रहे हैं स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आ जाएगा बी ऑप्शन होगा ना कि आपका यहाँ पर सी जितने भी स्टूडेंट सिक्सटी सेवन बता रहे हैं सिक्सटी सेवन भी नहीं होगा बी ऑप्शन यहाँ पर नीरज ने दिया है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सत्तावन वर्ष प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनो जो है रानी की जो मृत्यु हुई है वो सत्तावन वर्ष की उम्र में हुई है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखते है ये बांग्ला समाचार पत्र वरिष्ठ संपादक थे ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बांग्ला समाचार पत्र आजकल जो है उसके वरिष्ठ लेखक थे या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वन ट्वेंटी एट बहुत अच्छा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की गई है तो बहुत अच्छा प्रश्न हो जाता है फ्रेंड्स वीडियो को सभी शेयर जरूर किया करें क्योंकि आपकी शेयर करने से तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ सर मैंने पहले कमेंट किया था मोहन राजी करें बिल्कुल क्या होगा मोहन राज जी तो वीडियो को शेयर कर दिया करें जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई किसने शुरू की है तो बिल्कुल बांग्ला के थे यहाँ पर और बांग्ला समाचार पत्र आजकल का जो इनको ये वरिष्ठ लेखक थे आजकल जो समाचार पत्र वहाँ पर प्रकाशित होता है तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश आ रहा है यहाँ पर देख पा रहा हूँ हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की गई तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा वेरी गुड फर्स्ट राज्य बनाया है ये आपको यहाँ पर ध्यान देता है एग्जाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों को में सुनवाई शुरू करने वाला फर्स्ट राज्य उत्तर प्रदेश है तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यूपी हो जाएगा ए ऑप्शन वन ट्वेंटी नाइन का बताएंगे सभी यहाँ पर पूर्व राज्यपाल देवानंद कौनवर का निधन हो गया है वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे ये बताना है आपको वे राज्य कौन से हैं जिनके वो राज्यपाल रहे थे पूर्व राज्यपाल देवानंद कौनवर का निधन हो गया है वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे ये बताना है आपको चार ऑप्शन दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन की छटनी करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं यानी कि पूछे जाने वाले प्रश्न ही यदि आप इन प्रश्नों को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और बार बार रिवीजन करते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि इन सभी से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नाइन्टी नाइन परसेंट तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है दोनों बता रहे हैं त्रिपुरा और बिहार बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोनों हो जाएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा स्वाति निक्की नीरज राजकमले यहाँ पर बिल्कुल सभी का जो राइट आंसर है हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों हो जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा वन थर्टी बताएंगे यहाँ पर निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है चार ऑप्शन दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस बिल्कुल सत्यम चौरसिया नीर, नीरज कुमार जी बिल्कुल यहाँ पर सही है रंजन जी बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जितने भी स्टूडेंट्स ने सी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वन थर्टी अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है बहुत अच्छा प्रश्न अभी का तो यहाँ पर जो राइट आंसर है देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन आया अक्षय कुमार जी यहाँ पर रंजन जी का भी बी ऑप्शन आया नीरज कुमार जी का यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का बी ऑप्शन आ रहा है उनतीस अप्रैल बता रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तो बिल्कुल सही जवाब है उनतीस अप्रैल को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फिलहाल कोई भी यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है तो इसे फिलहाल कोविड नाइन्टीन के चलते यूँ ही बना लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो मनाया जाता जा है वो उनतीस अप्रैल को मनाया जाता है बिल्कुल सही जवा जवाब है यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का शुरुआत की बात करें तो उन्नीस को इसकी शुरुआत की गई थी ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और आई 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 द्वारा की गई थी उन्नीस में आई टी आई द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन थर्टी वन हाल ही में किसने हुंडको के नए सी का पदभार संभाला है हाल ही में किसने हुंडको के नए सी का पदभार संभाला है 131 का राइट right आंसर बताएंगे सभी बहुत अच्छा प्रश्न है क्या हो जाएगा आप सभी का तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा चार ऑप्शन दिए गए हाल ही में किसने हुंडको के नए सी का पदभार संभाला है बिल्कुल नीरज रंजन यहाँ पर बिल्कुल तो so फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट right आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या बिल्कुल यहाँ पर राजकमले बी ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर सुंदन सुंदन सिंह कह रहे हैं यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा नीरज जी सी बता रहे हैं रोहित जी ए बता रहे हैं तो बी और ए ऑप्शन की वोटिंग ज्यादा हो रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट right आंसर हो जाएगा शिवदास मीणा हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा इन्हें ही हुंडको की नई सीएमडी का पदभार संभाला है शिवदास मीणा ने तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सीएमडी क्या है आवास और शहरी विकास निगम सॉरी यहाँ पर स... हुंडको का जो सीएम CM, सीएमडी इन्हें नियुक्त किया गया है वो है आपका हाल ही में किसने हुंडको के नए सीएमडी का पदभार संभाला है शिवदास मीणा ने संभाला है और ये आवास और शहरी विकास निगम के लिए को जो है वो है आपका आवास और शहरी विकास निगम और इसकी स्थापना की गई थी 1900 जो है सत्तर में हुडुको की स्थापना की गई थी 1970 में की गई थी हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सीएमडी नियुक्त किया गया शिवदास मीणा को नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में हाइड्रोजन कार नीरज तीन क्वेश्चन अभी और बाकी ने, ने किस में हाइड्रोजन कार और कल क्या हुआ मैथ का क्लास का तो स्वाति जी कुछ दिक्कतें आ रही हैं मैथ क्लास में तो बहुत ही जल्दी आपको सॉल्व करा दी जाएंगे और बहुत ही जल्दी से आपको मैथ की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी तो उम्मीद करता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर उन्नीस सौ सत्रह यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है उन्नीस नहीं है नहीं यहाँ पर रंजन जी उन्नीस सौ सत्तर है 1970 किसौ 1970 ना कि सत्रह ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में हाइड्रोजन कार और बस चलाने की परियोजना शुरू की है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं सी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का सी है दोनों में बिल्कुल सही हो जाएगा लेह और नई दिल्ली दोनों में चलाने की परियोजना शुरू कर दी है एन टी पी सी एन टी पी सी के फुलफॉर्म क्या हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन

बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है बहुत अच्छा प्रश्न है सोमेश्वर जी मैथ की क्लास का टाइमिंग भी बता दिया जाएगा जिस जैसे ही मैं अनाउंस करूंगा क्लास का टाइमिंग भी अनाउंस कर दिया जाएगा तो न्यू दिल्ली बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर तो फ्रेंड्स या देख पा रहा हूँ वन थर्टीन का थर्टी थ्री का बताएंगे हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने नेटवर्क ने क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है गुरदीप सिंह बिल्कुल सही है यहाँ पर जो इसके एम हैं एन के बिल्कुल यहाँ पर है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन उन्नीस सौ पिछहत्तर सात नवंबर उन्नीस सौ पिछहत्तर को इसकी स्थापना की गई थी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर मोहनराज जी तो नीरज कुमार जी यहाँ पर देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का बोर्ड फोन बता रहे हैं दे बी ऑप्शन आ रहा है किस टेलीकॉम कंपनी ने नेटवर्क ने क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर रोहित कुमार जी दे रहे हैं सी ऑप्शन बाकी सारे स्टूडेंट्स देख पा रहा हूँ अभी तक जो है बी ऑप्शन दिए हैं लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा अक्षय रोहित कुमार जी बिल्कुल सही है एयरटेल दिया है बिल्कुल सही है और बाकी सब स्टूडेंट्स बोडाफोन बता रहे तो बोडाफोन आइडिया नहीं होगा यहाँ पर सी हो जाएगा निक्की कुमारी जी बिल्कुल सही है तो यहाँ पर एयरटेल ने टेलीकॉम कंपनी ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोट के साथ समझौता कर लिया ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यह समझौता एक मिलियन डॉलर का हुआ है वन मिलियन डॉलर का तो ये यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वन मिलियन डॉलर का यहाँ पर ये यह समझौता हुआ है दोनों के बीच और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर जो है आपके एयरटेल के जो एमडी और सीईओ कौन है तो वो आपके यहाँ पर बात कर लेते हैं तो गोपाल विट्ठल जो है वो आपके यहाँ पर एयरटेल के जो हैं सी हैं तो ये यह आपको यहाँ पर ध्यान रखा नोकिया की बात करें नोकिया के सी सीओ कौन है तो राजीव सूरी यहाँ पर नोकिया के सीईओ हैं तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन थर्टी फोर का बताएंगे यहाँ पर हाल ही में झूमा खातून के डॉप टेस्ट में फेल होने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है ये आपको यहाँ पर बताना है मोहनराज जी बिल्कुल यहाँ पर दे... मैंने आपको नहीं देखा था मैंने नीरज कुमार जी यहाँ पर देखे हैं तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ गोपाल

मध्यम दूरी की धाविकाएं ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जिन पर चार वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है यह प्रतिबंध किसने लगाया ए आई यू ने लगाया है एथलेटिक्स इंटीग्रेटिंग यूनिट्स द्वारा ये जो है आपका प्रतिबंध लगाया गया है तो ये भारतीय माध्यम दूरी की धाविका है और इन पर चार वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है तो सी ऑप्शन यहाँ पर सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा नीरज जी यहाँ पर थ्री ईयर नहीं होगा फोर्थ ईयर हो, हो जाएगा तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लाभ उठा सकें और फ्रेंड्स सभी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने शाम वाली वीडियो चार बजे वाली वीडियो नहीं देखी है उसे भी जरूर देखा करें क्योंकि तो जनरल और जी जनरल साइंस और जीके के, के उसमें को, जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप सभी को पता है डी आर के लिए काफी महत्वपूर्ण है वो प्रश्न तो सभी और पी प्राप्त करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सभी पीडीएफ आपकी डेली डाल दी जाती हैं टेलीग्राम पर तो आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जिन्होंने नहीं किया वो लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सभी को स्वाति सोमेश्वर अभिमन्यु रोहित कुमार जी थैंक्स सभी को यहाँ पर ऑल ऑफ यू तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत